डीबीएन न्यूज के खबरों का हुआ असर। लॉकडाउन को लेकर दरभंगा जिला अधिकारी के द्वारा किराना दुकानदार के लिए दिशा निर्देश हुआ जारी, सख्ती से होगा अनुपालन। कल डीबीएन न्यूज पर लॉकडाउन की खबरों को प्राथमिकता के साथ प्रकाशन किया गया था। हालांकि इस खबर के बाद कुछ लोग नाराज तो जरूर हैं, क्या करें, उनका नाराज होना भी लाजमी है क्योंकि सच तो सच ही होता है। बहरहाल डीबीएन न्यूज हमेशा से सच ही पिरोता है, इसलिए मेरे लिए सबसे पहले आम जनों को जागरूक करना ही एक उद्देश्य है। हालांकि आज जगह जगह लगने वाली साप्ताहिक हाट पूर्णतः लॉकडाउन रहा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉन्सर बाय गैलेक्सी फैशन, मेन मार्केट अली नगर। शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पूरे अली नगर मार्केट में यहां से अच्छा व कम कीमत पर कहीं नहीं मिलेगा लहंगा, चुनरी, गौन, अनारकली, सरारा, प्लाजो, सूट सलवार, लॉन्ग ड्रेस सहित हर प्रकार के फैशनेबल वस्त्र उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर एमडी आमिर, 8700562793, गैलेक्सी फैशन अली नगर। ब्रेक के बाद आइए शेष खबरों पर डालते हैं एक नजर। दरभंगा जिला अधिकारी के द्वारा किराना दुकानदार के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। सभी किराना की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर संध्या के 6 बजे तक ही खुलेंगे। साथ ही कालाबाजारी के विरुद्ध छापामारी अभियान तेज की गई है। नगर थाना में एक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। साथ ही साथ कम्युनिटी किचन मध्य विद्यालय में आज से चालू की गई है। दरभंगा जिला अधिकारी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिला में रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी नहीं है। नवल कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन आदेश लागू होने के पश्चात खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जिला में आवश्यक वस्तु एवं अनिवार्य सेवाओं को रेगुलेट करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा जिला में अवस्थित सभी किराना दुकानदार को सुबह 6 बजे से संध्या के 6 बजे तक ही खुले रखने का आदेश जारी किया गया है। 6 बजे संध्या के बाद कोई भी किराना का दुकान खुला नहीं रहेगा। डीएम ने सभी एसडीओ को इसे कड़ाई से सुनिश्चित कराने को कहा गया है। आटा मिल संचालकों को आदेश दिया गया है कि वे भारतीय खाद्य निगम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि बाजार में गेहूं उपलब्ध रहने पर उन्हें सीधे भारतीय खाद्य निगम दरभंगा से गेहूं उपलब्ध कराया जा सके। जिला अधिकारी के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य दंडाधिकारी को कालाबाजारी पर पूर्णतः रोकथाम हेतु सघन छापामारी अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है। उनके द्वारा की गई छापामारी से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे तक जिला आपूर्ति कार्यालय एवं जिला गोपनीय कार्यालय के ईमेल पर भेजी जाएगी। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी को लेकर सभी रोजगार धंधे बंद हो गए हैं। इसके चलते मजदूरी करने वाले, छोटे मोटे काम कर गुजारा करने वालों के सक्षम खाने पीने की संकट उत्पन्न हो गई है। इस संकट के समाधान हेतु निर्देशानुसार कम्युनिटी किचन चलाकर गरीब लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। यह कम्युनिटी किचन आज आदर्श मध्य विद्यालय लहरिया सराय में प्रारंभ किया गया है। मेडिकल टीम के द्वारा कोरोना की स्क्रीनिंग हुई तेज। खबर एक ब्रेक के बाद। इस न्यूज के प्रायोजक है लिम्रा स्कूल ऑफ लर्निंग, नियर जामा मस्जिद धमवाड़ा, अली नगर, दरभंगा। डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज आलम, जिनका मोबाइल नंबर है 9955280001।
नामांकन प्रारंभ है। पश्चिम बंगाल के अलावा दरभंगा जिला के अनुभवी शिक्षकों से पठन पाठन की व्यवस्था, विद्यालय के शुल्क में फ्री कोचिंग व कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, चार चक्का वाहन, शुद्ध पेयजल व शौचालय की व्यवस्था, बच्चों के बीच मासिक टेस्ट की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए अलग से डेमो क्लास से पढ़ाई की व्यवस्था, मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए अरबी उर्दू, हिंदू विद्यार्थी के लिए संस्कृत के पढ़ाई की व्यवस्था। तो फिर अब देर क्यों, जल्दी संपर्क करें लिम्रा स्कूल ऑफ लर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपका डीबीएन न्यूज में। राज्य के बाहर से आए सभी व्यक्तियों का घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया है एवं पहचान सुनिश्चित करने हेतु उनके घर पर एक पोस्टर भी चिपकाया गया है। बाहर से आए सभी लोगों को गहन सर्वेलांस पर रखा गया है एवं उनके स्थिति पर बराबर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं उन सभी व्यक्तियों की डीएमसीएच में जाँच कराई जा रही है। कोरोना आइसोलेशन कोषांग के बड़ी प्रभारी डीपीजीआरओ आरआर प्रभाकर द्वारा बताया गया है कि आज शाम 5:30 बजे तक 175 सस्पेक्टेड लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से एक को आइसोलेशन वार्ड में एवं बाकी को होम क्वारंटाइन कराया गया है। वहीं मेडिकल टीम के द्वारा नगर में घूम घूम कर लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।